हिंगनघाट शहर के नागपुर रोड पर फिदा हुसैन पेट्रोल पंप पर कल रात 10 बजे के बीच डकैती की घटना हुई, जिसमें चार आरोपियों की गिरोह ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को चाकू से धमकाया और 8,000 रुपए की रकम लेकर भाग गए। गनीमत ये रही कि एक बड़ी घटना टल गई, क्योंकि पेट्रोल पंप मालिक कुछ समय पहले ही करीब 2 लाख की नकदी घर ले गया था, जिसके कारण वह आरोपियों के हाथ नहीं आए। ये चारों आरोपी रात 10 बजे के बीच पेट्रोल पंप पर आए और कर्मचारी को 100 रुपए का पेट्रोल डालने की बात कहकर चाकू से डराया और पेट्रोल पंप का कैश काउंटर लूट लिया और 8,000 रुपए पे अपना हाथ साफ किया। इस घटना का चित्रीकरण पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस डकैती के मामले में पुलिस की आगे की जांच जारी है। पुलिस ने बीती रात 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोडकर की रिपोर्ट।